हेलो गाइस, हाय, हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा ट्रैक्टर आज देख लिया है, तो ट्रैक्टर को फंसे हुए ट्रैक्टर को निकालने के सबसे आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो में लाइन में बने रहेगा दोस्तों, देखते रहेंगे कैसे कैसे ट्रैक्टर निकालते हैं। तो देख लीजिएगा दोस्तों, मेरा ट्रैक्टर फंसा हुआ है, उसको बिना ट्रैक्टर का निकालने का तरीका आप सभी को बताऊंगा। 5 मिनट में निकालने का तरीका बताऊंगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। ओके दोस्तों, ये देख लीजिए ट्रैक्टर, ये देख लीजिए कितना फंसा हुआ है। तो बिना ट्रैक्टर का मैं निकालने के तरीका बताऊंगा दोस्तों आप सभी को। देख लीजिएगा, ये वाला चक्का पूरा फंस गया है दोस्तों, निकल नहीं रहा। इधर देख लीजिएगा, 5 मिनट नहीं लगेगा दोस्तों, सबसे आसान तरीका। अगर आप लोग का ट्रैक्टर फंसता है तो इस उपाय को अपना लीजिएगा दोस्तों। नागर जाता है वक्त फंस जाता है ट्रैक्टर, तो देखते रहेगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, हाय, ये देखते रहिएगा उपाय। हेलो दोस्तों, मैं कम लंबा वाला लकड़ी डाल रहा हूँ, आप लोग दोनों चक्का में जैसे होगा उतना लंबा लकड़ी डालना दोस्तों। तो मैं रस्सी मेरे पास कम है, इसीलिए दोनों चक्का को नहीं बांध रहा हूँ। दोनों चक्का को बांधने से और इजी निकल जाता है दोस्तों। तो मैं आज इसमें मेरे पास रस्सी कम होने के कारण एक ही चक्का में बांध रहा हूँ दोस्तों, तो इसीलिए कम लंबा वाला लकड़ी डाल रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोग जब भी निकालते हैं तो लंबा वाला लकड़ी डालिएगा, और दोनों चक्का को बांधेंगे तो बहुत मजबूती से बंधाएगा भी, और आसानी से निकल जाएगा दोस्तों फटाक से। तो देखते रहिएगा दोस्तों, और मैं जो बोल रहा हूँ वही करिएगा दोस्तों। दोनों चक्का में डालिएगा और दोनों चक्का खूब मजबूती से बांधिएगा ताकि फटाक से गाड़ी निकले। इसमें भी निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें सिंगल को बांध रहा हूँ तो सिंगल चक्का को बांध एक ही टो चक्का को बांध रहा हूँ तो थोड़ा सा लेट लगता है, और लेट लगेगा भी। और बांधने से पहले ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो हवा भरने वाला नलकी किधर है, नलकी के पास मत बांधिएगा दोस्तों, नहीं तो ट्यूब को पंचर कर सकता है दोस्तों, नलकी उड़ा आ सकता है दोस्तों ये रस्सी। इसलिए ना नलकी को छोड़ के दूसरे बीच में जो रस्सी घुसाने वाला जगह है उस जगह पे घुसाइएगा दोस्तों रस्सी को, और नलकी को छोड़ दीजिएगा दोस्तों उस वाले भाग को, और दूसरे जगह का जो खुला जगह दिख रहा है रस्सी घुसाने के लिए उस जगह पर रस्सी को घुसाइएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, देखते रहेगा वीडियो तो, और अंत तक बने रहेगा दोस्तों। ओके,
हेलो गाइस, ये देख लीजिए बिना ट्रैक्टर का मेरा ट्रैक्टर निकल गया दोस्तों। सबसे आसान तरीका है दोस्तों, देख लीजिए कितना कीचड़ में फंसा हुआ था, निकल गया है। और छोटा छोटा लकड़ी यहाँ पे आसपास दिख रहे हैं दोस्तों, उसको मैं पहले हटा देता हूँ। और उसके बाद रस्सी को खोलेंगे दोस्तों, जो लकड़ी बांधे हैं उस रस्सी को, उसके बाद बाहर निकालेंगे दोस्तों। अभी देख लीजिए लकड़ी है छोटा छोटा, इसको फेंक रहा हूँ पहले, फेंक दिया दोस्तों। और देखते रहेंगे दोस्तों, मैं रस्सी को खोलूँगा, कैसे खोलना है उसको भी देखिएगा। तो दोस्तों अभी थोड़ा चक्का में दबा हुआ ही है, तो देखना पड़ेगा। अभी देखो कीचड़ भी है, उसको थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, उसके बाद निकालूंगा उसको, देखते रहेगा। अभी चक्का में दबा हुआ है, मैं हाथ धोने गया, हाथ धो रहा हूँ, थोड़ा धो के आता हूँ, उसके बाद फिर से चालू करूँगा और घुमाऊँगा दोस्तों। चक्का का थोड़ा सा ऊपर घुमाना पड़ेगा ताकि लकड़ी निकले। देखिए पूरा चक्का दबा हुआ है, इस लकड़ी थोड़ा उससे ऊपर नहीं आ पाया है। देख लीजिएगा, तो दोस्तों थोड़ा सा आप लोग चक्का को ऊपर घुमा लीजिएगा दोस्तों, और लकड़ी जैसे ऊपर हल्का सा दिखते रहेगा, और रस्सी भी थोड़ा टाइट नहीं रहेगा, थोड़ा टाइट है पूरा, तो थोड़ा और घुमाना पड़ेगा दोस्तों, तभी निकलेगा चक्का को। चालू करके घुमाना पड़ेगा दोस्तों, लकड़ी भी नहीं देख पा रहे हैं, और पूरा चक्का वो लकड़ी के ऊपर में खड़ा है दोस्तों। तो मैं अब चढ़ रहा हूँ दोस्तों चालू करने के लिए, और घुमाऊँगा, तो देख लीजिएगा दोस्तों। मैं चालू कर लिया हूँ, अब इसको वो वाला चक्का घूम रहे हैं दोस्तों। एक तो चक्का में बांधने का तरीका यही होता है, दोनों चक्का साथ में नहीं घूमता है, इस कारण ना थोड़ा सा निकलने में लेट लगता है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, अभी एक ही टोन आ रहे हैं ना, तो दोनों चक्का घूमता, तो दोनों चक्का घूमता, तो उसमें ऊपर चढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता दोस्तों, लकड़ी को नीचे में ही रहता, दोनों चक्का के बराबर में रहता दोस्तों। ये एक ही टोन चक्का में है, इसलिए ऊपर ज़्यादा चढ़ जा रहे हैं, तो ऊपर नहीं चढ़ेगा तो निकलेगा भी नहीं दोस्तों, क्योंकि उधर टाइट हो जाएगा मिट्टी में, और अभी मिट्टी से पूरा निकल गया है दोस्तों लकड़ी, तो अभी जी पड़ेगा। अभी खोलूंगा, तो अभी देख लीजिए दोस्तों, खोल रहा हूँ, जी से निकल जाएगा रस्सी फटाक से। थोड़ा सा टाइट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइट हो जाता है ना, बांधते हैं तो ढीला रहता है, लेकिन अब वो चक्का जो घूमता है तो टाइट कर देता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी निकल रहा है, निकल जाएगा। देख खुल गया दोस्तों, खुल गया, अभी लकड़ी को निकालूंगा, उसके बाद तुरंत निकल जाएगा दोस्तों। और दोनों चक्का में बांधे रहने से ये होता है, क्योंकि उतना ज़्यादा टाइट भी नहीं होता है, और कीचड़ में जैसे ये थोड़ा सा एक ही तो चक्का में रहने से ना घूमता है, तो कीचड़ को ना पूरा निकाल देता है, थोड़ा सा गड्ढा कर देता है एक ही तो लकड़ी बांधने से, मतलब छोटा वाला लकड़ी बांधने से, और लंबा वाला लकड़ी बांधने से दोनों चक्कों को बांधना पड़ता, लेकिन मेरे पास रस्सी कम था, इस कारण एक ही तो चक्का को बांधा था दोस्तों। लेकिन चलता है, लेकिन आप लोग बांधिएगा तो दोनों चक्का को बांधिएगा, बहुत मजबूती रहता है दोनों चक्का को बांधने से, और इजी से निकलता है। मैं सिंगल चक्का को बांधा था, तो थोड़ा सा गड्ढा कर दिया, अभी लकड़ी जो जैसे घूम के निकालना, तो थोड़ा सा गड्ढा कर देता है, तो करेगा ही। ये देख लीजिए दोस्तों, रस्सी बहुत इजी से निकल गया, अभी मैं लकड़ी को निकालूंगा, रस्सी को निकाल लिया हूँ, अभी देख लीजिएगा रस्सी भी, लकड़ी भी थोड़ा सा उधर दब गया है दोस्तों कीचड़ में, तो निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देख लीजिए निकाल रहा हूँ, तो टाइट हो गया है, उधर से कीचड़ में फंसा हुआ है, थोड़ा सा टाइट कर रहे हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, ये देख लीजिए
धान कमाने का कीमत कितना कीमत लग रहा है दोस्तों, बहुत ही कीमत है ना कि ये है बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, धान कमाने में कितना कीमत लगता है, कितना खर्चा आता है दोस्तों। ये देख लीजिए, यही है धान कमाने का कीमत और असली मेहनत दोस्तों। और बोलते हैं लोगों ने कि बहुत सरल है धान कमाने में, बहुत ईजी पड़ता है, लेकिन देखिए कितना कीमत लग रहा है, कितना मेहनत लग रहा है धान का दोस्तों। धान का फसल बहुत मेहनत से होता है दोस्तों, और देखिए हर चीज़ का खर्चा आता है, खाद दोगे, दवाई दोगे, कई प्रकार का विटामिन दोगे, तभी धान का फसल होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहेगा, मैं अभी ट्रैक्टर को फिलहाल निकाल लेता हूँ। ओके, रस्सी खोलने और बांधने में ही टाइम लगा है दोस्तों, नहीं तो 5 मिनट में ही मेरा गाड़ी निकल गया है, देख लीजिएगा। हेलो गाइस, हाय, निकल गया मेरा गाड़ी, ऐसे ही निकालेगा। मम्मी इसमें फंस गई है, ट्रैक्टर फंसा था इसमें।